क्या आपकी लाइक अप्रोच क्या होती है एक रोल के प्रति? क्या पहले डायलॉग्स याद करते हैं या स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस पर्टिकुलर किरदार को देखते हैं, औरों को देखते हैं, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्शन? सर, हर एक्टर का प्रोसेस यूनिक होता है, हर कैरेक्टर के लिए मेरा अप्रोच अलग रहा है, हर फिल्म के लिए, हर कैरेक्टर के लिए जो प्रेप प्रोसेस रहा है वो अलग रहा है. जो रामलीला के लिए था वो बाजीराव मस्तानी के लिए नहीं था, जो वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए नहीं था. ये जरूर किया था मैंने, 21 दिन तक मैं आइसोलेशन में रहा, अपने आप में रहा, किसी से बात नहीं की मैंने, घर वालों से, दोस्तों से, लॉक्ड अवे, अपने आप को लॉकअप कर दिया. और क्योंकि वो कहीं ना कहीं से वो कन्विक्शन जेनरेट करना था कि मैं नहीं रिलेट कर पाता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के साथ, वो जितना यू नो जालिम है, नीच तरीके का जो इंसान है. मुझे काफी स्टडी करनी पड़ी अपने आप को पहले कन्विंस करने के लिए कि भैया दुनिया में ऐसा भी होता है, और ऐसे दुनिया में घटनाएं घटी हैं, और ऐसे दुनिया में ऐसे लोग भी हुए हैं जो ऐसा करते हैं, जिन्होंने ऐसा किया है और किस पैमाने पर किया है. तो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग रहा वो प्रोसेस, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव चीजें हैं, बहुत डार्क चीजें हैं. तो वैसे अलाउद्दीन खिलजी जैसे कैरेक्टर को अपने आप अपने अंदर 1.5 साल के लिए पालना बहुत ही मुश्किल रहा. एक वक्त पर मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ. मुझे अपनी मम्मी को फोन करके बोलना पड़ा कि मम्मी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ, और ये अच्छी फीलिंग नहीं है. तो थोड़ा सा खो गया था मैं कैरेक्टर. क्या आपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया? नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं की, लेकिन 12-14 घंटे के लिए मैं इतने अरसे तक एक ही चीज कर रहा था, एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहा था, और ये एक आसान कैरेक्टर नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, जो अपने अंदर पालना, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी एक स्पिरिट अपने अंदर ऐसे पालना, इट्स नॉट वेरी हेल्दी, यू नो. इतनी तारीफ हुई रणवीर, मैं कंप्लीट करना चाहूंगा. तो मैंने रियलाइज किया कि यार मैं 12-14 घंटे शूटिंग करता हूँ, और दिन भर में अलाउद्दीन खिलजी की तरह रहता हूँ, और रणवीर कहीं ना कहीं खो रहा है. तो मैंने अपने मम्मी से बात की, अपने यार दोस्तों से बात किया, और फिर थोड़ा अपना लाइफस्टाइल बदला कि काम करने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड किया अपनों के साथ, कि नॉर्मल बातें करें हम, कि नाना नानी कैसे हैं, हमारे कजिन्स के साथ क्या हो रहा है, भैया फुटबॉल की दुनिया में क्या हो रहा है, कि ऐसी चीजें करें जो आपको ग्राउंडेड रखें, जो आपको सेंटर्ड रखें, कि आप इतना भी नहीं खो जाएं अपने काम में और एक कैरेक्टर में कि आप अपने आप को खो बैठे. और मैं बहुत ही लकी हूं, बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूं कि मेरे आसपास फ्रेंड्स और फैमिली और एक इतनी स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम है विच अलाउज मी द फ्रीडम कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ लंबा घुस सकता हूँ कैरेक्टर में. ये मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जो मुझे अगर मैं कहीं ज्यादा घुस गया मेरे को वापस ले आएंगे. तो कॉम्प्लीमेंट्स तो आपको बहुत मिले जी, तो पेरेंट्स की तरफ से क्या कॉम्प्लीमेंट मिला या किसी और की तरफ से भी? सर, मैं इतना कहूंगा कि यही फुलफिलमेंट है, यू नो. अब तो यू नो फिल्म आंकड़ों के तौर पर रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है, यहाँ वहां लोग अब 200 करोड़ ये सब सुनने को मिलता है. सर, इससे मुझे खुशी होती है, लेकिन अपने प्रोड्यूसर्स के लिए मैं खुश हूँ, यू नो. मुझे फुलफिलमेंट अलग चीजों से मिलती है. जब आपकी लाइफ से कनेक्टेड कुछ लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपकी टीम जो आपके लिए आपके साथ काम करती है, आपके फैंस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन जाती है कि आप अपना बेस्ट करें और ये कोशिश करें कि उनको आप पर नाज हो. तो जब वो फीडबैक उनसे मिलता है, जब कहते हैं कि हाँ आपने अच्छा किया, तो बहुत ही फुलफिलिंग फीलिंग होती है. फिर जैसे कि बच्चन साहब हैं, यू नो, उनको देखकर हमने सोचा था कि हम भी एक्टर बनेंगे. जब वो ऐसी चीजें आपको लिखकर बयां करते हैं तो वो बहुत फुलफिलिंग होता है कि आपके आइडल्स आपका काम रिकग्नाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं, बहुत ही फुलफिलिंग फीलिंग है. लेकिन सबसे ज्यादा फुलफिलिंग ये है कि आप, और मैं छुप छुप के गया हूँ सिनेमा हॉल में,
देखने पद्मावत एक ऑडियंस के साथ और पीछे खड़ा रहा, और वो जब आपने 1.5 साल की मेहनत आपकी स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं और सीटियां बज रही हैं, तालियां बज रही हैं, लोग रो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग जब वो फर्स्ट हैंड आपको देखने को मिलता है तो वो फुलफिलिंग फीलिंग आती है। बस यही है कि हमारे जो गुरु हैं भंसाली साहब वो हमारे काम से संतुष्ट रहें, वो कहें कि बेटा आपने अच्छा किया, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल सोशल मीडिया है, लोग लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया, आपको फर्स्ट हैंड वो फीडबैक मिल सकता है, तो लोग जिस तरीके की चीजें कह रहे हैं वो पढ़कर वो फुलफिलिंग वाली फीलिंग आती है। और आई थिंक पद्मावत एक रेयर सक्सेस है, क्योंकि नॉट जस्ट ये एक फिल्म है जिसने सारी चीजें इनकम्पस की, ना सिर्फ क्रिटिकल अक्लेम लेकिन कमर्शियल सक्सेस और ऑडियंस का प्यार। अक्सर ऐसी फिल्में होती हैं जो हाइप बहुत होता है प्री रिलीज और बहुत से लोग जाते हैं और बहुत बहुत ज्यादा लोग जाते हैं फिल्म देखने, लेकिन बाहर आकर कहते हैं कि यार ठीक था या मजा नहीं आया। ये एक ऐसी फिल्म है जो सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक हो गई हैं।